अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के ब्लॉग के अंदर आप लोग के साथ कोई टॉपिक शेयर नहीं करना था, बल्कि एक अपडेट थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी मुझे। काफ़ी टाइम से मुर्गियों के बारे में ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहली अपडेट तो आप लोग ये जगह देख रहे होंगे, पहले इस जगह पर ब्रह्मास थे और उस जगह पर एक ब्लू बफ का मुर्गा था। इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था कि इसको हमें देना है, तो वो अब जा चुका है। परसों के दिन वो गया है, मेरे अब्बू है उनके एक दोस्त है उनके पास गया है। उनके पास और भी मुर्गियाँ थी तो वो लेकर चले गए उस मुर्गे को। उस मुर्गे की हमारे पास मुर्गी भी नहीं थी और वो अकेला था और ये नस्ल भी चेंज थी, तो जो मुर्गे थे दोनों आपस में, एक वो वाला मुर्गा और एक वो जो ब्लू बफ का मुर्गा था, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे, तो साथ रख भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जगह भी बहुत ज़्यादा खाली थी उस मुर्गे की, वैसे यहाँ कुछ और भी नहीं ला सकते थे, तो इसलिए वो मुर्गा हम लोगों ने दे दिया। और अब एक पूरा कमरा पूरी जगह इन इन मुर्गियों को दे दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा मुर्गियाँ भागेंगी खेलेंगी उतना इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। माशाल्लाह अभी भी आप देखें कि हेल्थ में आप लोगों को फ़र्क लग रहा होगा। कमेंट्स वगैरह में माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें अगर कोई चीज़ अच्छी लगे आप लोग, ताकि नज़र ना लगे किसी चीज़ को। बाकी ये अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि वो मुर्गा चला गया है। अब ये पूरा पोर्शन इन मुर्गियों को ही दे दिया। और बाकी ये मैंने एक ये भी किया था, इनका जो है एक बर्तन जो है खाने का, पहले ईंटों के ऊपर रखा हुआ था, नहीं इन ईंटों के ऊपर, इन ब्रिक्स के ऊपर मैंने रखा हुआ था, इस जगह पर यहाँ मैंने रखा हुआ था। तो फिर वो नीचे जगह ख़राब हो रही थी, तो मुर्गियाँ बार बार से टकरा रही थी, कभी उसको गिरा देती थी कभी कुछ। तो मैंने बाकी वीडियोस वगैरह में देखा कि लोगों ने कैसे रखा हुआ था, ऐसे लटकाया हुआ था ज़्यादातर लोगों ने, तो मैंने भी इसको ऐसे लटका दिया। पहले दिन तो मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, इसके करीब नहीं आ रही थी, खाना भी इसमें नहीं खा रही थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गई इसके साथ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रस्सी बांध दी और ये दीवार में मैंने जो कुंडी होती है, कुंडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको दीवार में लगा कर उस पर रस्सी बांध के बीच में एक रस्सी लटका के उसके साथ इसको हैंग कर दिया। बाकी आज वाले ब्लॉग के अंदर आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ी बेहतर लग रही होगी, क्योंकि मैं माइक हम लोगों ने माइक इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया वीडियो के अंदर, आज पहली वीडियो है माइक के साथ। तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है ये भी ज़रा कॉमेंट्स में बताइएगा पहली की बनस्बत, क्योंकि कल वाली वीडियो जो दुम्बे के ऊपर थी उसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया। उसके अंदर भी थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ख़राब थी, थोड़ा शोर आ रहा था और आवाज़ भी मेरी कहीं कहीं हल्की आ रही थी, वीडियो के दौरान पता नहीं चलता, बाद में देखो तो पता चलता है, लेकिन बाद में कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए फिर ये माइक लेकर आया हूँ मैं, तो इससे फिर बताइएगा कॉमेंट्स में कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की। बाकी मैंने लोग अभी पालक डाला है, इनको खाना जो है अभी सुबह जी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। मैंने इनको दाना जो है मेरे अब्बू ने सुबह ही डाल दिया था, 8:30, 7:30 बजे डाल देते मेरे अब्बू इनको खाना, सुबह दाना इनको डाल देते हैं, फिर मैं शाम में इनको दाना डालता हूँ। बिल्कुल रात होने वाली थी, रात में जब यहाँ पे मैं कपड़ा लगाने आता हूँ ना, उससे पहले इनको थोड़ा सा है ना एक दो मुट्ठी दाना डाल देता हूँ, जब रोशनी होती है थोड़ा सा ही खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पर्दा लगा देता हूँ। तो सुबह उन्होंने मेरे अब्बू ने दाना डाल दिया था, तो बस अभी मैंने पानी चेंज करना है, इनका पानी इधर रखा हुआ है मैंने, एक उधर रखा हुआ है, दो पानी रखे हुए, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियाँ पानी कम पीती हैं, तो दो जगह पानी रख दिया, तो कभी वहाँ होती है कभी यहाँ होती है तो पी लेती हैं। तो इस वजह से मैंने दाना की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अब्बू ने डाल दिया था। तो मैंने अभी पालक की डंडियाँ रखी हुई थी, पालक भी उसकी जो पीछे की डंडी होती है वो रखी थी, तो मैंने उसको चॉप करके बिल्कुल बारीक वो ला कर उनको डाल दिए, तो ये भी वो माशाल्लाह वो भी शौक से खा रहे हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट्स में बताइएगा अगर ब्रह्मास के रिलेटेड कोई आप लोगों को वीडियो चाहिए कोई किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी बताइएगा, फिर उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मैं। जो अभी ब्लू बफ का मुर्गा जो अभी हमारे पास से गया है, उसकी भी मेरे पास पेरेंट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके जो वो छोटा था इनक्यूबेटर से निकला था उसकी भी वीडियो है, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के आगे अभी जब मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद वाली वीडियो लगा दूँ, उसके पेरेंट्स की वीडियो और उसके जो अंडों से निकला था वो जब की वीडियो मैं लगा दूँ उसकी, उस मुर्गे की ना, उसके जो पेरेंट्स थे वो एक डेढ़ साल का मुर्गा था, वो भी मैंने चूज़ों से लेकर ही पाला था, उसकी मेरे पास वीडियोस नहीं है उस मुर्गे की, क्योंकि उस टाइम में मैंने तस्वीरें वगैरह खींची भी होंगी तो बाद में फिर मुझसे डिलीट हो गई। वो मुर्गा मैंने लेकर छोटा सा पाला था, वो मुर्गा जब बड़ा हुआ फिर उसके लिए दो मुर्गियाँ हम लेकर आए, एक ब्लैक बफ की एक ब्लू बफ की, उन मुर्गियों की और बाद में मेरे पास पिक्चर पड़ी है, वीडियो है स्नैपचैट के ऊपर, मैं इस वीडियो के आगे वो ऐड कर दूँगा। उस मुर्गे का पूरा जब वो बड़ा हो गया था 1.5 साल का, उसका साइज़ इस मुर्गे जितना हो गया था, और माशाल्लाह ये मुर्गा भी 8.5-9 महीने का है माशाल्लाह। और ब्रामा के लिए कहा जाता है कि 2 साल तक अपना साइज़ निकालता है, मेल जो होते हैं 2 साल तक अपनी हाइट इंक्रीज़ करता है,
कल वाली जो दुम्बे की वीडियो थी वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर ऐसे ही आप लोगों को और वीडियो चाहिए कि बकरियों के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग के अंदर दिखाया था कि वहाँ पर बकरियाँ भी हैं, तो अगर आप लोगों को बकरी के बारे में भी वीडियो चाहिए कि बकरियों का भी हम लोग आपको दिखाएं, तो उसके बारे में भी कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर बकरियों के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, जैसे दुम्बे के बारे में बनाई वैसे ही बकरियों के बारे में भी बना दूंगा। बाकी अलेक्सा की तो वीडियोस आप देखते रहते हैं, अलेक्सा के तो व्लॉग्स एक छोड़ के दूसरे छोड़ के अलेक्सा के व्लॉग्स भी आते रहते हैं। बाकी बस मैं आज का व्लॉग अभी इधर ही एंड कर देता हूँ। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो ऑडियो क्वालिटी मैंने इम्प्रूव करी है, माइक नया लेकर आए हम लोग, तो उसके बारे में भी कमेंट में बताइएगा कि माइक से इम्प्रूवमेंट आई है ऑडियो क्वालिटी में कि नहीं आई है, ताकि फिर उसके बारे में भी काम करें हम लोग। बस अब इनका पानी मैं बदल देता हूँ और व्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।